इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। बंगला बाजार बिजनौर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। 5:50 पर बांग्ला बाजार फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। बंगला बाजार बिजनौर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। 5:50 पर बांग्ला बाजार फ्लाईओवर का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें 5:50 पर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, फ्लाईओवर का जो है वो लोकार्पण करेंगे, साथ ही उनके साथ कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। जी देखिए श्वेता, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो लोकार्पण कार्यक्रम है और शिलान्यास कार्यक्रम है, ये बहुत दिनों से प्रतीक्षित था और लगातार कई सरकारें आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं है होना था और लगातार वासियों की मांग थी हो जाए। यानी 2017 और 2022 में लगातार इसको अपने आज वो दिन है जो लखनऊ वासियों को एक नए पुल के पुल की सौगात मिलने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कई शामिल होंगे और साफ तौर पर अगर जो अभी उसमें और साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल होना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की अगर मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट पर मौजूद रहे, तो साफ तौर पर आज बड़ा दिन होने वाला है। यहाँ पर ब्रिजेश सिंह जो कि राज्य प्रदेश सरकार में है वो रहेंगे, राजेश्वर सिंह और तमाम नेता और विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अस्मिता, ये कहना गलत नहीं होगा, परिवर्तन की बयार उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और इसका बड़ा प्रमाण आपको लखनऊ में देखने को मिल रहा है। लखनऊ के पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सेतुओं की बात हुई थी और कई ऐसी जहाँ पर पुलों के सारे जाम की समस्या खत्म, वही खबर दिया गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी कैबिनेट उनकी टीम ने, तो साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा उत्तर प्रदेश बदलता उत्तर प्रदेश एक नई पहचान देने की कवायद में लगे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, साथ में केंद्र सरकार का पूरी तरीके से सहयोग भी मिल रहा है। अश्विता, तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लखनऊ जी। जी बिल्कुल, लेकिन 547 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पुल काफी कारगर होने वाला है। अश्विता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको लखनऊ से बताई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। बंगला बाजार बिजनौर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। 5:50 पर जो है लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा, साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे।